हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द सैंडमैन सीजन 1 एपिसोड 11 की कहानी को। इस एपिसोड की कहानी पिछले एपिसोड की कहानियों से बिल्कुल अलग है, लेकिन इस एपिसोड की स्क्रिप्ट ने हम सभी को अपना दीवाना बना दिया। चलिए बिना देरी किए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को दिखाया जाता है। इसके ओनर रात होते ही इसे सुलाकर खुद भी आराम करने के लिए चले गए। देर रात को बाहर खिड़की पर एक मेल कैट आता है। फिर ये दोनों मिलकर यहाँ से एक दूसरी बिल्ली का भाषण सुनने के लिए चले जाते हैं। एक कब्रिस्तान में इन्हीं की तरह बहुत सारी बिल्लियां भी एक बिल्ली का भाषण सुनने के लिए आई होती हैं। सभी बिल्लियों के इकट्ठा होने के बाद उस बिल्ली ने अपनी स्पीच स्टार्ट की। वो बोलती है कि किसी जमाने में वह भी एक पालतू जानवर की तरह इंसानों के घर में रहती थी। उस घर में इसे जी भरकर खाना और आराम मिलता था, बदले में बस मालिकों को प्यार चाहिए था। एक दिन इस बिल्ली का दिल एक मेल कैट के ऊपर आ गया। उस मेल कैट की वजह से ये बिल्ली प्रेग्नेंट हो जाती है और बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है। लेकिन इसके घर के मालिक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह इसके बच्चों को एक बैग में भरकर पानी में डुबो देता है। इन बच्चों की माँ ने बच्चों को डूबते हुए महसूस किया। फाइनली इंसानों की सच्चाई इस बिल्ली के सामने आ गई। फिर यह बिल्ली सपनों के देवता से मिलने के लिए सपनों की दुनिया में जाती है। काफी मुश्किल भरे रास्तों से यह बिल्लियों के सपनों के देवता के पास पहुँच जाती है। बिल्लियों के सपनों के देवता ने इस बिल्ली को बिल्लियों की पूरी हिस्ट्री दिखाई। एक जमाने में बिल्लियाँ इंसानों से बहुत ज्यादा बड़ी होती थी। वे बिल्लियाँ इंसानों के साथ खेलती थी और उन्हें खाती थी। लेकिन एक दिन इंसानों ने इन बिल्लियों के खिलाफ जंग छेड़ दी और एक इंसान ने सभी आदमियों को इकट्ठा किया और बताया कि अगर हम एक साथ एक सपना देख लें तो इन बिल्लियों से आजाद हो सकते हैं। पहले तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक रात एक साथ कई इंसानों ने सपना देखा जहां वे इंसान बिल्लियों से काफी बड़े हो गए और बिल्लियां छोटी हो गई। और इसीलिए इस बिल्ली को भी ऐसा ही लगता है कि अगर एक साथ ये भी सपना देख लें तो अपने राज को फिर से कायम कर सकती हैं। ड्रीम वर्ल्ड से आते ही इस बिल्ली ने अपना घर छोड़ दिया और अलग अलग जगह पर जाकर बिल्लियों को भाषण देना शुरू कर दिया। इसकी स्पीच पूरी होते ही सारी बिल्लियां उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती हैं। लेकिन एक नन्ना बिल्ली का बच्चा इसका साथ देने के लिए बोलता है, क्योंकि उस बच्चे को इस बिल्ली पर भरोसा होता है। सुबह होने से पहले वो बच्चा अपने घर चला जाता है। इसके घर के मालिक इस बच्चे को सोता हुआ देख बहुत खुश होते हैं। यह बिल्ली का बच्चा सपना ले रहा है कि वह इंसानों को खा रहा है। फिर हम अगस्त 2018 के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जिसमें एक राइटर सभी को राइटिंग के ऊपर लेक्चर दे रहा था। लेक्चर पूरा होते ही एक लड़की आती है और रिचर्ड को एक जार देती है। यह लड़की रिचर्ड की राइटिंग स्किल से काफी इंप्रेस थी। इस लड़की को भी राइटर बनना था, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी। रिचर्ड बोलता है कि उसकी फैमिली ठीक कह रही है, तुम बस अपनी मेहनत जारी रखो। फिर रिचर्ड इस जार को लेकर मिस्टर फ्राई के पास चला जाता है। मिस्टर फ्राई भी एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट है। रिचर्ड ने मिस्टर फ्राई को वो कांच का जार दे दिया। इस कांच के जार के अंदर बालों का गुच्छा था। इस बालों के गुच्छे को जवान लड़कियों के पेट से निकाला जाता है जो अक्सर अपने बालों को खाती हैं। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर अपना गिफ्ट एक्सचेंज करने के लिए आया होता है। रिचर्ड ने पिछले 2 साल से कोई भी बुक नहीं लिखी है। मिस्टर फ्राई रिचर्ड को उसका गिफ्ट दिखाने के लिए नीचे ले जाता है, जहाँ पर फ्राई ने एक लड़की को कैद करके रखा हुआ था। यह लड़की कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि यह जुइस की बेटी कलायपी थी। मिस्टर फ्राई ने इस लड़की को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था, और साथ ही मिस्टर फ्राई आज तक जितना फेमस हुआ है वह इस लड़की की वजह से ही हुआ है, क्योंकि यही लड़की मिस्टर फ्राई को लिखने के लिए प्रेरित करती थी। बालों के गुच्छे के बदले मिस्टर फ्राई ने इस लड़की को रिचर्ड को सौंप दिया। अब रिचर्ड ही इस लड़की का मालिक हो गया। कलायपी चाहकर भी अब रिचर्ड से दूर नहीं जा सकती। कलायपी की उम्र हजारों साल से भी ऊपर की है। कलायपी मिस्टर फ्राई से बोलती है कि उसने वादा किया था कि वह मरने से पहले उसे जरूर आजाद करेगा। इस पर फ्राई बोलता है कि लेखक अक्सर झूठे होते हैं और झूठे ही वादे करते हैं। रिचर्ड कलायपी को लेकर अपने घर आ जाता है। कलायपी ने रिचर्ड के सामने अपनी आजादी की भीख मांगी कि वह उसे आजाद कर दे। रिचर्ड बोलता है कि वह उसे बिल्कुल आजाद करेगा, बस उसे एक बुक लिखने का इंस्पिरेशन दो। लेकिन कलायपी बोलती है कि लेखक अक्सर झूठे होते हैं। इस पर रिचर्ड बोलता है कि सभी लेखक झूठे नहीं होते। कलायपी को खुश करने के लिए रिचर्ड बहुत सारे गिफ्ट कलायपी को देता है ताकि वह बुक लिखने का इंस्पिरेशनल पास के। लेकिन कलायपी उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है। रिचर्ड 2 साल पहले ही नई बुक लिखने का एडवांस ले चुका है। अब तो इसके एजेंट ने भी इसे फाइनल वार्निंग दे दी है, अगर जल्दी से रिचर्ड ने कोई बुक या चैप्टर लिख कर नहीं भेजा तो सामने वाला डीलर अपना एडवांस वापस ले लेगा और इस डील को भी कैंसिल कर देगा। इस बात से रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा कलायपी के कमरे में जाता है, जहां उसके साथ जबरदस्ती करता है। तब कलायपी जाकर उसे नए बुक्स लिखने का आइडिया देती है। रिचर्ड का यह तरीका काम कर गया, वह फौरन अपना नॉवल लिखने लगता है। इन सब चीजों से परेशान होकर कलायपी ने त्रिदेवियों को बुलाया। वे कलायपी को समझाते हैं कि वो इस मामले में उनकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वह कानूनी रूप से बंधी हुई है। त्रिदेवियां बोलती हैं जब तक उसका मालिक उसे खुद से आजाद नहीं करेगा तब तक वह आजाद नहीं हो सकती। त्रिदेवियां बोलती हैं कि तुम्हें आजाद करने के लिए मॉर्फियस उस आदमी को मोटिवेट कर सकता है। किसी जमाने में कलायपी और मॉर्फियस रिलेशनशिप में थे। इनका एक बेटा भी हुआ था जो बाद में मर गया था। बाद में कलायपी मॉर्फियस को छोड़कर चली गई थी। कलायपी को नहीं लगता कि मॉर्फियस उसे कभी माफ करेगा। अगर माफ कर भी दिया तो वह कलायपी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त वह रोड्रिक के बेसमेंट में कैद था। इतना सब बोलकर त्रिदेवियां वहां से चली जाती हैं। कलायपी के मिले इंस्पिरेशन से रिचर्ड नोवेल लिख लेता है और बहुत फेमस हो जाता है। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में।
रिचर्ड ने अपना नाम बदलकर रिक रख लिया है। रिक की इस सफलता को देखकर उसे मूवी के लिए भी ऑफर आने लगे। रिक को पता चलता है कि कैलाइपी को खोने के बाद मिस्टर फ्राई ने एक भी बुक नहीं लिखी और उसने जहर पीकर सुसाइड भी कर लिया। यह सुनकर रिचर्ड को समझ में आता है कि कैलाइपी उसके लिए कितनी जरूरी है। रिचर्ड कैलाइपी को बताता है कि वो एलए शिफ्ट होने जा रहे हैं, लेकिन तभी कैलाइपी की नजर एक अखबार पर जाती है जिसके अंदर उसने खबर देखी कि काफी सालों बाद यूनिटी नींद से उठ गई है। यह खबर देखकर कैलाइपी समझ गई कि किंग ऑफ द ड्रीम आजाद हो गया है। कैलाइपी ने मौका देखकर किंग ऑफ ड्रीम को लेटर लिखने का सोचा, लेकिन जब वो लेटर में मॉर्फियस लिखती है तभी वहां पर रिचर्ड आ जाता है और उस पेज को फाड़कर जला देता है जिस पर वह मॉर्फियस को लेटर लिखने वाली थी। उस लेटर का धुआं बनकर आसमान में उड़ जाता है। कैलाइपी भी यही चाहती थी। कैलाइपी का मैसेज मिलते ही मॉर्फियस वहां आ जाता है। मॉर्फियस पिछली बातों को भुला देता है और कैलाइपी को माफ कर देता है और कैलाइपी से वादा करता है कि वह उसे जरूर छुड़वाएगा और रिचर्ड को कड़ी से कड़ी सजा देगा। रिचर्ड जब अपने घर आता है तब वह मॉर्फियस को देखता है और हैरान हो जाता है। मॉर्फियस रिचर्ड को बोलता है कि वह कैलाइपी को छोड़ दे, लेकिन रिचर्ड कैलाइपी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे जो आइडियाज आते हैं, इंस्पिरेशन आता है, वो कैलाइपी की मदद से ही आता है। मॉर्फियस रिचर्ड से वादा करता है कि वह उसे आइडिया खुद देगा। अगले दिन लेक्चर के दौरान एक स्टूडेंट रिचर्ड से पूछती है कि उसे इतने बुक लिखने के आइडिया कैसे आते हैं। रिचर्ड बोलता है कि आइडियाज के लिए उसे सोचना नहीं पड़ता, आइडियाज हमेशा हमारे आसपास होते हैं, और बोलता है कि मैं यहीं खड़े खड़े अपनी बातचीत के ऊपर भी एक नॉवेल लिख सकता हूं। लेकिन तभी रिचर्ड को मॉर्फियस दिखता है और वह अपनी बातों से कंट्रोल खो देता है और वह एक के बाद एक नए नए आइडियाज बताने लगता है। रिचर्ड परेशान हो जाता है और क्लास के बाहर चला जाता है। दो स्टूडेंट इसके पीछे पीछे जाते हैं। वे देखते हैं कि रिचर्ड ने अपनी उंगलियां काट ली हैं, क्योंकि रिचर्ड के दिमाग में इतनी आइडिया आ रहे थे, उसके पास पेन और कॉपी नहीं था, इसलिए उसने उंगलियों को काटकर दीवारों पर खून से लिखना शुरू कर दिया। रिचर्ड समझ जाता है कि यह काम मॉर्फियस ने किया है। रिचर्ड उनमें से एक लड़की को बोलता है कि तुम मेरे घर जाओ और ऊपर के कमरे में एक लड़की कैद है, उसे आजाद कर दो और उसे बोलो कि ऐसा रिचर्ड ने कहा है। वह लड़की रिचर्ड के घर जाती है। उसके घर पर कोई नहीं होता, वहां एक बुक पड़ी होती है। वह उस किताब को लेकर आ जाती है। कैलाइपी रिचर्ड की कैद से आजाद हो चुकी है। वह मॉर्फियस को थैंक यू बोलती है और मॉर्फियस से कैलाइपी पूछती है कि क्या वे सपने के अंदर अपने बेटे से मिलने के लिए आ सकते हैं। इस पर मॉर्फियस हाँ बोल देता है और बोलती है कि वह जाकर अपने कानूनों को बदलेगी ताकि जो इसके साथ हुआ है वह किसी और के साथ ना हो सके। हॉस्पिटल के अंदर रिचर्ड सब कुछ भूल चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है। बस रिचर्ड को इतना सा याद है कि उसे बुक लिखने में किसी लड़की ने उसकी मदद की थी। उसे ना तो कैलाइपी का नाम याद है और ना ही मॉर्फियस का। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट सीजन भी जरूर आएगा, हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।